बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स और आई लेक्चर नंबर 18 है, जिसका टॉपिक यूनिट नंबर 7 एंड टास्क 7.4 एंड 7.5, जिसमें हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें मेयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेयर करेंगे, देखेंगे कि किस एरियाज़ पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है। दूसरा वेरिएशंस, वेरिएशंस कहते हैं चेंजिंग को, और किस तरह चेंजिंग आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में व्हेन वी गोज अप अबव इन आल्टीट्यूड चेंजिंग। और थर्ड इसका टॉपिक है जी हमारे पास जो 7.5 भी है, प्रेशर इन लिक्विड, के लिक्विड का प्रेशर किसी यूनिट एरिया पे कितना एग्जर्ट करता है और किसके तहत वो अमल करता है। फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास मेयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमोसफेरिक प्रेशर को मेयर किस तरह किया जा सकता है। तो उसके लिए हम कहते हैं जी एट सी लेवल पे एटमोसफेरिक प्रेशर का जो एक्सपीरियंस होता है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट सी लेवल, यानी ग्राउंड लेवल। हम अगर मैं अर्थ की बात करूँ, वो नो डायट कि जो एटमोसफेरिक प्रेशर यानी हवा का प्रेशर, एटमोसफेरिक जो पिछले टॉपिक में उसको मैं क्लियर करके आ चुका हूँ, एटमोसफेरिक व्हाट इज़ एटमोसफेरिक प्रेशर, व्हाट इज़ अ प्रेशर, देन एटमोसफेरिक प्रेशर। तो जो एटमोसफेरिक प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑलवेज हर तरफ से लगाया जाता है ज़मीन के ऊपर, तो ये जो ज़मीन के ऊपर लगने वाला प्रेशर है जो एक्सपीरियंस हमें देता है 101,300, जिसको 101,325 भी कंसिडर किया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पहले कहा है जी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी पास्कल्स, क्योंकि प्रेशर का यूनिट्स क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पास्कल भी आ सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए हम एक मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह टेम्परेचर को मेयरमेंट करने के लिए एक थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी चीज़ को मेयर करने के लिए कोई ना कोई लेंथ मीटर हमारे पास होते हैं, इसलिए इसको भी मेयरमेंट करने के लिए एक बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करता है, जिसको डिफाइन किया जाता है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो क्या करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर कर देगा एज वी कैलकुलेट। उसके बाद इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक मर्करी बारोमीटर होता है जो सबसे बेनिफिट, जो सबसे ज़्यादा अच्छा समझ देने वाला मीटर होता है, जिस तरह ये थर्मोमीटर सेम एज इट इज़ वर्क करता है। ये थर्मोमीटर में एक ग्लास ट्यूब होती है, अंदर मर्करी फिल कर दिया जाता है, उसके कॉर्नर पे एक छफ लगा दिया जाता है, जब वो टेम्परेचर उसके साथ हम करते हैं किसी का मेयर करने के लिए, उस टेम्परेचर की जगह इसको रख दिया जाता है, तो क्या करता है जी वहीं उसकी रीडिंग आना शुरू हो जाती है। सेम एज इट इज़ इसकी वर्किंग होती है मर्करी बैरोमीटर के वाटर, बस इससे थोड़ी सी चेंजिंग में आ जाती है, लेकिन मेथड वही है जो थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मर्करी बैरोमीटर में क्या होता है जी हमारे पास एक मर्करी बैरोमीटर होता है, जो टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, एक होता है वाटर बैरोमीटर। पहले मैं मर्करी बैरोमीटर की अगर बात करूँ, तो मर्करी बैरोमीटर की जो ट्यूब्स होती है, ये ट्यूब्स, ये 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है। उसके बाद क्या होता है जी हमारे पास इसके अंदर मर्करी फील्ड कर दिया जाता है, ये जो ग्रीन है ना, ये मर्करी है, जो ये आपको नज़र आ रही है, ये जो ये ट्रफ कहलाता है, ट्रफ यानी आप ट्रफ भी ले सकते हैं, यानी कोई भी बोल जिसके ऊपर हमने ये ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट कर देना है इस तरह है, इसको फिल करके बाद में इसको इन्वर्ट कर देना, उल्टा देना है, तो आप क्या होगा जो ये एयर है क्या, ये एम्प्टी है, यहाँ कोई मर्करी फील्ड नहीं होता। इसी तरह जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक्सपीरियंस उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है, तो वो क्या करता है 7 सेंटीमीटर यानी यहाँ आके रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिस पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है 101,300 पास्कल, जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है 101,300 पास्कल, हमें फिर पता चल जाता है यहाँ आके स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ आके हमें एक्सपीरियंस कितना मिल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 101 यानी 760 टोर। तो वी नो डैट 101,325 या 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इसलिए ये तो नज़र नहीं आएगा आपको, मैं इधर, तो 101,300 न्यूटन मीटर या पास्कल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 760 टॉर, TOR टॉर, इतना हमें एक्सपीरियंस ये
मर्करी बारोमीटर दे देता है एक स्टेबल पे, जैसा मैं अगर थर्मोमीटर की बात करें, ये थर्मोमीटर की तभी बात करूँ क्योंकि रेगुलर यूज़ में आता है। आपने मर्करी बारोमीटर अभी तक मुझे उम्मीद है कि देखा नहीं होगा। जो थर्मोमीटर है वो रेगुलर इस्तेमाल में आप क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर के साथ अटैच करते हैं तो उसकी जो रीडिंग है स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जो मर्करी है ना वो उठना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये भी ऊपर की तरफ हुई, ये जो मर्करी है ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। जिस तरह अगर ये ट्यूब है, ये मैं थर्मोमीटर का अगर एक्सपीरियंस कर लूँ, ये इस तरह, तो जो ट्यूब होती है जो यहाँ से इस तरह ऊपर की तरफ जाना चाहिए और जहाँ जाके रुकती है हम कहते हैं जिसको 96 फारेनहाइट केजी हमारे पास इसका टेम्परेचर है, उससे होता है कि जो मर्करी ऊपर की तरफ उठना शुरू कर। इसी तरह इसका मर्करी जो ट्रफ के अंदर फील्ड किया होता है हमने वहाँ, वो मर्करी ग्लास ट्यूब के ऊपर उठना शुरू कर देती है और हाथ कितनी जाती है जी, जब 7 सेंटीमीटर पर स्टेबल हो जाती है। इसी तरह हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या करेगा, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो सेंटीमीटर में जो लेंथ है वो चेंज होती है। 1 मीटर लॉन्ग है यानी 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर वी नो डैट 100 सेंटीमीटर, तो क्या कर दे जी 7 सेंटीमीटर नहीं होता 76 सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर की तरफ ऊपर की तरफ जाती है। तो ये मिस्टेक थी 76 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करते हैं, इसी तरह सेम एज इट इज़ वाटर बारोमीटर होता है, लेकिन जहां मर्करी फिल किया है वहां हमने वाटर को फिल कर देना है, तो इसका एक्सपीरियंस जो होता है 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। आपको पता है मर्करी थिक होती है देन वाटर, तो इसलिए जो इसका एक्सपीरियंस होता है वो 13.6 टाइम डेंसर होता है देन वाटर, किसका, मर्करी का। तो इसलिए इसका जो आंसर आता है यानी वाटर मेजरमेंट की जो आंसर आती है उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है 13.6 के साथ। इट्स मीन डैट जो 6 सेंटीमीटर है इसको पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा, फिर उसकी रीडिंग नोट कर ली जाएगी, सेम होते हैं, बस इसका फिल किया जाता है वाटर के साथ 0.76 मीटर में। जो रीडिंग आएगी हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 13.6 के साथ, सेम एज इट इज वाटर बैरोमीटर भी वर्किंग करना शुरू कर देता है। ये था मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद क्या कहते हैं जी हमारे पास, वेरिएशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी चेंजिंग। अगर हम गैसेस की बातें करें, हमें पता है जो एयर है, जो अर्थ है, वो गिलाफ बना हुआ है डिफरेंट गैसेस का, डिफरेंस गैसेस ऑफ एक्सपीरियंस का। जैसे जैसे हम मिसाल के तौर पर ये मैंने अब बात की थी कि हम जो अर्थ है वो एग्जर्ट करती है गैसेस को, वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसके ऊपर लगाया जाने वाला प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो कहते हैं जिस तरह 30 किलोमीटर, ये मैंने इसकी रेंज बना दी 30 किलोमीटर, उसके बाद मजीद लेयरें आती हैं जो मैंने, और एक वक्त आता है कि एयर का प्रेशर जो होता है बिल्कुल फिनिश्ड हो जाता है। जो 30 किलोमीटर होता है उस पर एयर प्रेशर 760 टॉर तक लगा होता है, ठीक है। जिस हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं ना, तो हमें क्या करते हैं जी, हमें वो एयर, जो एयर प्रेशर होता है वो उसकी जो होती है, जो फीलिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या, लो आल्टीट्यूड हायर एटमोसफेरिक प्रेशर। जितना लो आल्टीट्यूड होता जाएगा उतना हमें एक्सपीरियंस हाई एटमोसफेरिक प्रेशर का होगा। इसी तरह हायर एल्टीट्यूड लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमें एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू टेम्परेचर। उसके ऊपर टेम्परेचर इंपैक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा है, हमें पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मैं इसको रेज करूं थर्मोमीटर और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 300 टाइम्स एक दूसरे से दूर होते हैं, और जब इनको टेम्परेचर इंपैक्ट अगर इनके ऊपर करना शुरू कर देगा 300 टाइम्स का भी मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे, तो इनका जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो प्रेशर लगाने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, वो और मज़ीद एक्सपीरियंस से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे ड्यू टू द टेम्परेचर। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इनका जो प्रेशर लगने वाला होगा क्या होगा हमारे पास, ज़मीन पर कम हो जाएगा। इसी तरह हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हमारे पास क्या होता जाएगा, उसी तरह ही हमारे पास नो एक्सपीरियंस होगा। जैसे हमने अगर एटमोसफेयर की बात करें, हमें पता है एटमोसफेयर मज़ीद लेयर्स के मजमुए का नाम है, मिसाल के ट्रोपोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, तो इस तरह लेयर के मुताबिक गैस लेयर्स भी आ जाती है हमारे पास। तो इसी तरह जिस हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो जो एक्सपीरियंस है, तो जो इसी तरह हम कह भी सकते हैं जो पायलट जो फील करते हैं जी आल्टीट्यूड पे, हाई आल्टीट्यूड पे, वो ब्रेथिंग सिस्टम उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है ड्यू टू द वेरिएशन इन एटमोसफेयरिक प्रेशर। हायर टू लोअर एटमोसफेयरिक प्रेशर, मैंने इससे पहले लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक
हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है हर चीज़, यानी ज़्यादा से कम की तरफ। जिस तरह हमने अगर एग्जांपल लें और हम चार्ज की एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है और ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है, यानी जो चीज़ है। अगर इसी तरह अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, ठीक हो गया, और इधर मैं कोई मॉलिक्यूल्स रख दूं, इधर एम्प्टी स्पेस रख दूं, तो ये हायर कंसंट्रेशन है, तो ये क्या कहेगी, लो कंसंट्रेशन को फील करना शुरू, यानी कोई हर चीज़ हायर टू लोअर की तरफ मूव करती है। तो इसी तरह जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो वेदरिंग डिमांडिंग होती है, हमें कैसे पता चलता है, जो वेदरिंग जो हम मैप्स या किसी नेविगेशन सिस्टम कह रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं जी, हमारे पास विंडी एंड शोवरी जो कंडीशंस होती है, हमें पता कैसे चलती है कि किस इलाके में कौन सी विंडी कंडीशन या शोवरी या किस इलाके में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने वाली, उसकी वजह यही होती है। हमें पता चल जाता है जी, मिसाल के तौर पर ये एरिया है, इसमें आज क्या हो गया जी, जो हमारे जो हवाएं एयर मूव करती हैं उनका पता कैसे चलता है, उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल, आज इस जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ उसका टेम्परेचर क्या कह रहे हैं, ज़्यादा है, यानी उसका एटमोसफेयर टेम्परेचर ज़्यादा होने से एटमोसफेरिक प्रेशर का बता दूँ एक्सपीरियंस कम हो जाता है, जो एटमोसफेरिक प्रेशर लगता है ना उस एरिया पे वो कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के मालिकूल्स टेम्परेचर की वजह से जो मालिकूल्स हैं एक दूसरे से अवे दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो उनका जो लगने वाला प्रेशर है वो कम हो जाता है, जितने करीब होंगे उतना प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो क्या होगा, इधर टेम्परेचर की वजह से क्या होगा जी, हमारे पास जो इनके मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यानी यहाँ एटमोसफेयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके नियर नेबरिंग एरिया होगा उसके जो मालिक्यूल्स होंगे उसमें टेम्परेचर अगर कम होगा तो क्या करेंगे, इसके जो मालिक्यूल्स हैं मूव करना, जो इसकी एम्प्टी स्पेस है उसको फिल करना शुरू कर देंगे, यानी जो इधर की एयर्स होगी वो इधर आना शुरू कर देगी, यानी ठंडी हवाएँ गर्म हवाओं को फील करना शुरू कर देगी, जिससे हमें पता चल जाता है जी, जो एयर मूव कर रही है, हमें बादलों की कंडीशन पता चलती है, हमें हवा की कंडीशन इससे ज़्यादा पता चल जाती है, आज हवा इधर को मूव कर रही है, हवा आज इधर को मूव कर रही है, उसकी वजह ही यही होती है कि वो कहाँ जाती है जी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जिससे हमें पता चल जाए जी, जो एयर मूव कर रही है वो लेफ़्ट की तरफ से जा रही है, जो फ्लैग मूव कर रहा है, जो फ्लैग लहरा रहा है हमारे पास, वो कंडीशन बताता है कि एयर जो है फिल करने जा रही है उस लोअर कंसंट्रेशन को। इससे हमें वेरिएशन टेम्परेचर एटमोसफेरिक प्रेशर का पता चलता है कि जिसका आल्टीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा एटमोसफेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाएगा, और जिसका आल्टीट्यूड कम होता जाएगा एटमोसफेरिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ये ड्यू टू टेम्परेचर होता है। इसी तरह ही अगर ऑक्सीजन वगैरह की बात करें, O2 वगैरह की, तो ये भी एक हद तक जाके क्या करते हैं जी, अपना एक्सपीरियंस देना शुरू कर देती है। CO2 गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं वो एयर्स कहलाती हैं, हमें पता है जो एयर्स है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, तो वो एक्सपीरियंस 30 किलोमीटर तक तो 760 टॉर, यानी 7 मिलीमीटर, यानी 760 टॉर मींस डेट 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सपीरियंस देना शुरू, जिससे इसे मज़ीद ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, इनका एक्सपीरियंस कम होना शुरू कर देते हैं, वहाँ जो गैस के मालिक एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है लास्ट टॉपिक हमारा 7.5, प्रेशर इन लिक्विड। बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारे पास, प्रेशर इन लिक्विड, इसके इनवर्ट है, इसके इनवर्ट्स है हमारे पास, इसके बरक्स है, किसके बरक्स है, एटमोसफेरिक प्रेशर के। इसे क्या कहता था, हम ऊपर की तरफ जाते हैं आल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होता जाता है जी, हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास जो एटमोसफेरिक प्रेशर कम होता है, तो इसी तरह ये कहता है जी, जितना ऊपर जाते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर जो वाटर प्रेशर वो कम होता है, जिस तरह डेप्थ की तरफ जाते हैं वाटर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसमें इन्होंने एक टब लिया, टब को फिल कर दिया वाटर के साथ, और हमें पता है जो फिल अप होगा कोई ना कोई वॉल्यूम रखेगा, और वॉल्यूम रखेगा तो कोई मैस है, तो मैस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैस एंड वॉल्यूम पर यूनिट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम एंड डेंसिटी का भी एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद एक वाटर के अंदर मैंने एक पॉइंट जिसको ए ऑब्जेक्ट रख दिया, जो हमें बताएगा कि कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड इसके ऊपर, एक मखसूस हाइट पे है, यानी ये हाइट को डिनोट कर दिया, एंड ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी जो फोर्स है वो नीचे की तरफ, वाटर की जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगी। हमें पता है हर लॉ के मुताबिक जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं जिस मर्जी हाइट पे हो, उसकी जो टेंशन होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी अंडर अर्थ होती है।
यानी नीचे की तरफ होती है। तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी अंडर ग्रेविटी। तो जो यहाँ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है एरिया, जो यूनिट एरिया पे लगने वाला प्रेशर होगा, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी किसके ऊपर, A के ऊपर, जो फोर्स लगेगी A के ऊपर, जो फोर्स अपनी सारी की सारी, जी ये फोर्स किसकी है जी, वाटर फोर्स है, क्योंकि हम वाटर लिक्विड कोई भी है, लिक्विड वाटर कह लो को लिक्विड कह लो, तो लिक्विड लगेगा A के ऊपर और लिक्विड कह रहा हूँ फोर्स लगेगी A के ऊपर, यानी फोर्स अप्लाई ऑन यूनिट एरिया, तो जो किसके ऊपर हो जाएगा, मैं पहले वर्क के हैं प्रेशर के इक्वल हो जाएगा P इज इक्वल टू एफ ओवर A। उसके बाद जिसे हम जानते हैं डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कुछ फैक्टर पढ़ लें वॉल्यूम फैक्टर के, तो अगर बात करूं वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जो ये लेंथ और विड्थ थी इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ए बकाया मल्टीप्लाई बाय एच, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इधर मैं अगर पुट करूँ इस वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो इधर क्या होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी को डिनोट किया जाता है इस तरह के सिंबल से, और वॉल्यूम किसके इक्वल है जी, ए मल्टीप्लाई एच, तो इधर मैंने क्या पुट कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय एच। तो मास किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय एच। अगर फोर्स एक्टिंग, ये तो जस्ट मैं मास, जो लिक्विड का मास है उसको सिर्फ डिस्कस किया था कि लिक्विड का मास इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी एरिया एंड हाइट। हमने फाइंड क्या करना है, याद रखें कि प्रेशर फाइंड करना है लिक्विड का। उसके बाद दूसरा हमें क्या मिलता है जी, हमारे पास फोर्स मिलती है, फोर्स किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू वेट के इक्वल और ड्यू टू टेंशन, और वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के। पुटिंग द वैल्यू एम, ये जो ऊपर वैल्यू एम है इसको पुट कर दिया इसके अंदर, इक्वेशन टू का नाम दे दिया, तो पुटिंग इक्वेशन वन इन टू देन वी गेट फोर्स, एम की जगह क्या पुट होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच, और आगे क्या बच जाता है, जी, तो जी एज इट इज मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, क्योंकि हमने प्रेशर फाइंड करना था, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ ए, जो हमने इधर से ड्राइव कर लिया था, तो एफ की वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, तो जो क्या बनी है जी, डेंसिटी ए एच जी, यानी ये चारों वैल्यू मल्टीप्लाई का साइन हमें पता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स तीन वेरिएबल चार वेरिएबल इकट्ठे भी लिखे हमें पता चल जाता है कि मल्टीप्ल, इसलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन इग्नोर कर किया, डेंसिटी ए एच जी डिवाइड ए हो रहा था, डिवाइड ए एच से कट गया, पीछे का बच गया डेंसिटी एच एंड जी। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितना प्रेशर लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इन लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है लिक्विड का। तो इसी तरह जिससे हम नीचे जाते जाएंगे प्रेशर मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा, उसकी वजह क्या, उसकी हाइट ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर इसके मैं फैक्टर देखूं, अगर डेंसिटी को कांस्टेंट एंड जी, जी तो आल्सो कांस्टेंट है, अगर डेंसिटी को कांस्टेंट रख दूं तो पी ट्रैक्टिव प्रोपोर्शन आ जाता है एच के, यानी जितनी ज़्यादा हाइट होती जाएगी उतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, यानी डिपेंडेंट इसकी कंक्लूजन क्या निकलती है हमारे पास, जितना ज़्यादा प्रेशर होता जाएगा उतना ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा हाइट होती जाएगी उतना ज़्यादा प्रेशर होता जाएगा। आज हमने मेरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा कि मेरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह होती है, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में देखा कि किस तरह वेरिएशन आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसके बाद प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में हमने देखा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किस तरह फैक्टर डिपेंड करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह खैरा।